नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया लाइव। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की जरूरत है। तीन तलाक आज महिलाओं की बात की बात है। मोदी सरकार द्वारा 45 वर्ष के कम उम्र की महिलाओं के लिए मरहम के बिना हज जाने के सवाल पर आजम खान ने शायराना अंदाज में कहा, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं बसल की राहत के सिवा। आजम खान ने कटाक्ष करते हुए कहा, और भी बहुत से काम हैं, इन लोगों से कहिए औरतों का पीछा छोड़ो, वो अपने हिसाब से हज कर लेंगी, नहीं करेंगी उनके बारे में सोचिए, उनकी रोजी रोटी के बारे में सोचिए, बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचिए, उनके घर दर के बारे में सोचिए। तीन तलाक, हज, अरे भाई हज फर्ज है लेकिन शर्तें हैं उसकी भी, उन शर्तों को पूरा करते हैं तब हज करते हैं, उससे पहले बहुत सी जरूरतें हैं। मोदी जी पहले बहुत शर्तें तो पूरी कर दें। इसके साथ ही आजम खान ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, पहले वो अपने वादे तो पूरे कर दें, हर साल 3 करोड़ नौजवानों को मुलाजिमत देंगे, अब तक 12 करोड़ नौजवान हो गए हैं जिनकी नौकरी वाजिब हो गई है उन पर, आजम खान ने कहा है। दरअसल हमारे हिंदू भाई यह समझ ही नहीं रहे हैं कि मोदी जी खेल क्या खेल रहे हैं, वो हज तलाक जैसे मामलों पर हमें आपस में लड़ा रहे हैं। अंत में देश चलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को नसीहत भी दे दी। आजम खान ने कहा, मोदी जी से कहिए तलाक से मुल्क नहीं चलेगा, हज से हज हाउस को रंग देने से मुल्क नहीं चलेगा, उम्र घटा देने बढ़ा देने से नहीं चलेगा। 125 करोड़ हिंदुस्तानी रोटी मांग रहे हैं, जीएसटी का हिसाब मांग रहे हैं, नोटबंदी का हिसाब मांग रहे हैं, और नौजवान नौकरी मांग रहे हैं, दलित सम्मान मांग रहे हैं, हज हाउस नहीं मांग रहे हैं, हज की उम्र नहीं मांग रहे हैं, तलाक का तरीका नहीं मांग रहे हैं। हटाओ इधर से, देश को मोदी जी नहीं हटाते तो लोगों को आप हटाओ, इन चीजों पर मत जाओ, जो असल तुम्हारी समस्या है उस पर आओ। इस खबर में बस इतना ही, आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया लाइव।